एरिया में फैले हुए जो कोई जगह है सच एज ऑन ए मैप ऑफ ए कॉन्टिनेंट, मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट ठीक है या कोई कंट्री है, जो लार्ज एरिया होगा उसका, सो वी यूज ए स्मॉल स्केल मैप। तो उसके लिए हम लोग एक स्मॉल स्केल मैप स्टैंडर्ड लेते हैं। ये क्या करता है, इट मे हैव ए स्केल विथ रिफ्रैक्टिव, मैं बताया था आपको कल ठीक है, इस यूनिट में रहेगा ठीक है, ये नंबर दिया गया है। आगे कह रहा है सच एज ए मैप सो लेस डिटेल, यानी ऐसा मैप जो होगा किसी भी मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसी खास एरिया का तो उसको उतना डिटेल से नहीं बताएगा, इसलिए यहाँ पर दिया गया लेस डिटेल ठीक है। जैसा यूनिट उपयोग करेंगे हम लोग उसी के अनुरूप हम लोग उस एरिया को डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो ये लेस डिटेल देगा। सेकंड देते हैं लार्ज स्मॉल स्केल ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ मैप, ये क्या कहता है, व्हेन एन एरिया कवर्ड इज स्मॉल ठीक है, यानी कि छोटे एरिया में फैला हुआ कोई जगह है, सच एज ऑन ए मैप ऑफ प्रोविंस, प्रोविंस भी होता है स्टेट, मान लीजिए किसी स्टेट की बात की जा रही है तो कंट्री से छोटा होगा, सो ऑन दैट गेस वी यूज ए लार्ज स्केल मैप। तो हम लोग स्केल मैप का बड़ा वाला फॉर्म उपयोग करेंगे, यूज करेंगे, इट मे हैव ए स्केल ऑफ ठीक है, तो इसका स्केल क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे लगभग आपका 1 करोड़ के सेंस में है तो ये यूनिट यहाँ पे आगे घट जाएगा ठीक है, तो ये लार्ज स्केल में होगा, मेरा स्केल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ठीक, एरिया रिड्यूस होगा तो स्केल भी रिड्यूस हो जाएगा। तो सच ए मैप शोज मोर डिटेल, ऐसा यानी लार्ज स्केल मैप मोर डिटेल देगा किसी एरिया का ग्राफ ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और स्मॉल स्केल मैप जो होगा वो किसी एरिया का लेस डिटेल हम लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं फीचर्स बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, यानी इस तरह का कोई मैप लेते हैं तो इसके फीचर्स के रूप में गुण के रूप में क्या देखते हैं, ये देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स शोन, यानी जो फीचर बताया गया होगा दिखाया गया होगा, और द एम ठीक है एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैप मेकर, यानी जो मैप डिजाइन किया गया है कैन बी ऑफ द टाइप्स, कितने तरह के होंगे, पोलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिकल मैप ठीक है, क्लाइमेटिक मैप और थीमेटिक मैप, यानी कि जो मैप का डिजाइनिंग किया गया है, कैटेगरी किया गया है वो एक बार फिर से यहाँ पर उसको मतलब बांटा गया है, पॉलिटिकल, फिजिकल, टोपोग्राफिकल, क्लाइमेटिक और थीमेटिक मैप है, हम लोग एक एक करके फिर यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले डिटेल में पढ़ते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में, पॉलिटिकल मैप सीधी सीधी है किसी स्टेट या कंट्री के बाउंड्री को दिखाएगा, इसमें लिखा हुआ है इट शो द बाउंड्री ऑफ स्टेट एंड नेशनल बाउंड्री ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, किसी छोटे से राज्य और किसी बड़े देश को भी वो डिटेल में दिखाएगा। द लोकेशन ऑफ सिटीज एंड कैपिटल, ये छोटे शहर को और उसके कैपिटल यानी थोड़ा बिग एरिया में आएगा राजधानी, उसको भी डिटेल दिखाएगा। सेकेंड है फिजिकल मैप ठीक है, सो इट डील्स द फिजिकल लैंड, यानी कि वहाँ का जो बनावट है उसकी मिट्टी, यानी उसका जो एरिया है फैला है ठीक है, किसी खास कंट्री, किसी खास स्टेट के बारे में बात करेंगे, किसी खास सिटी के बारे में बात करेंगे, तो फिजिकल लैंड में हम लोग देखेंगे किस तरह का बनावट है, जैसे कि माउंटेन है, रिवर है, लेक्स है, उनके बारे में बताएगा। टोपोग्राफिकल मैप क्या है, इट यूज डिफरेंट कलर्स ठीक है, टोपोग्राफिकल में किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कलर के थ्रू हम लोग अलग अलग यूज करेंगे और उसको लोकेट करेंगे, सो इट ऑल्सो यूजेज ठीक है कंटूर लाइन्स ठीक है, कंटूर लाइन यूज करता है, और ये किसके लिए, टू चेंज द लैंडस्केप, यानी कि मिट्टी का जो बनावट होगा वेरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वो खास तरह के लाइन को उपयोग करते हैं हम लोग, आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल इसके बारे में अबाउट कंट्रोल लाइन। नेक्स्ट देखते हैं इट ऑल्सो डील द फिजिकल फीचर्स लाइक लैंडस्केप, सीधी सीधी बात है आप देखोगे टोपोग्राफिकल मैप में लैंड के थ्रू हम लोग कलर यूज करेंगे और वो लैंडस्केप के बारे में बताएगा ठीक। हम लोग आगे इसमें है एलिमेंट्स ऑफ मैप की रीडिंग ठीक है, मैप जब हम पढ़ेंगे तो क्या क्या एलिमेंट चाहिए, यानी क्या क्या पार्ट चाहिए उसको स्टडी करने के लिए, तो हम लोग देखते हैं इसमें द मेन एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप्स आर, क्या क्या एलिमेंट है, टाइटल ऑफ द मैप, सबसे पहले मैप का टाइटल देंगे, विच डिजायर द थीम ऑफ द मैप, यानी कि मैप का क्या आइडिया लेना चाह रहे हैं, वो थीम बोलते हैं कौन सा आइडिया लेना चाह रहे हैं, यानी आपका खोजने का मकसद क्या है, डिजायर क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक टाइटल देंगे उसको हम लोग। आगे कह रहे हैं लीजेंड और की टू इन्फॉर्म द यूजर व्हाट डिफरेंट सिंबल्स मीन ठीक है, कुछ ऐसा की उपयोग करेंगे ठीक है, जो मैप पढ़ रहा है उसको एक सिंबल के थ्रू वो डिनोट करेगा उसका मतलब क्या है ठीक है। बहुत सारे सिंबल आपको बताया गया था जैसे रिवर का, रेलवे ट्रैक का, ये सब का। कंपास रोज टू इंडिकेट द कार्डिनल डायरेक्शन ठीक है, कंपास डायरेक्शन यूज लेते हैं, जो हमारे मेन डायरेक्शन होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और एक मिडिल साइड जिसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं ठीक है, ये मिडिल वाला साइड जो की दिखा रहा है वो सब डायरेक्शन है, तो उसको यूज करने के लिए एक क्या बोलते हैं कंपास रोज उपयोग किया जाता है ठीक है।
तो इसमें दिखाएगा आपको कार्डिनल डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट मेन होता है, साउथ वेस्ट। इसके साथ साथ आपको इंटरमीडिएट पॉइंट भी बताएगा जो मिडिल वाला है, वो पोजीशन चेक करेंगे। आगे कहता है स्केल टू शो द रेशियो, एक स्केल जनरलाइज स्केल यूज करेंगे जो रेशियो बताएगा क्या बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड ऑन द मैप, मैप में जो डिस्टेंस लिए होंगे वो और जो ग्राउंड यानी जो पृथ्वी पर मौजूद होगा जो चीज उसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा, उन दोनों का एक रेशियो लेंगे, वो हो जाएगा मेरा स्केल। अब इसमें देखते हैं कुछ एडवांटेज ऑफ मैप, मैप का उपयोग करने का क्या लाभ है, ठीक है, साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। पहला है मैप आर पोर्टेबल, ठीक है, एंड कैन बी कैरिड अराउंड इजीली, ठीक है, वो फ्लैट पेपर की तरह होता है मैप दिया नहीं, आप उसको इजी मोड़ के ले जा सकते हैं कहीं। दे कैन बी लेड ऑन ए सर्फेस एंड स्टडीड, ठीक है, एक सर्फेस पर रख के आराम से उसको पढ़ सकते हैं, प्लेन सर्फेस जनरली होगा। थर्ड में दे कैन बी स्केल्ड टू सी द होल वर्ल्ड और जस्ट एट होम, एक बार में आप उसको इजीली रीड कर लोगे, पढ़ सकते हो, मेजरमेंट भी कर सकते हो पूरे कंट्री को या पूरे किसी खास टाउन को विद द हेल्प ऑफ इट्स, यानी कि आप मैप को हेल्प से यानी उसका जो लीजेंड यानी की उपयोग होगा उसमें सिंबल होगा, सिंबल में कुछ कलर होंगे उसको हम लोग उपयोग करेंगे, एंड यू कैन सी द मैप ज्योग्राफी, ठीक है, इजियर मतलब मैप ज्योग्राफी इजियर टू द लर्न, ठीक है, इस तरह आप मैप को हम लोग ज्योग्राफी के थ्रू स्टडी ऑफ अर्थ होता ज्योग्राफी तो इसको मैप से हम इजिली पढ़ सकते हैं। अब डिसएडवांटेज में क्या इसे हानि है, तो मैप डिस्टॉर्ट द शेप एंड साइज लाइन, डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है उसको छोटा कर देता है, ठीक। सेकेंड में देखते हैं मैप आर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड डू नॉट पोर्ट्रेबल एलिवेशन एंड रिलीफ, तो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि टू डायमेंशनल होगा पेपर के रूप में, ठीक है, तो कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप उसको थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा अर्थ पे आप उसको एक बार में लोकेट नहीं कर सकते, ठीक है, इसके थ्रू लोग ग्लोब भी उपयोग करते हैं, जैसे वैली हुआ, हिल हुआ, वो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल आप उसको एक बार में लोकेट नहीं कर सकते। थर्ड कह रहा है इंटायर अर्थ कांट बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली ऑन मैप, मैप में हमने पूरे अर्थ को एक बार में एग्जैक्टली नहीं दिखा सकते, तो दीज आर द ड्रॉबैक ऑफ द मैप, ठीक है, तो हम लोग आज ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे।